हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे ये सलवार की कटिंग हमने की है तो इसकी स्टिचिंग जो है कैसे करते हैं, जैसे इसके प्लेटें जो है कैसे डालते हैं। जो सलवार की कटिंग जब हमने की है तो इसमें जैसे आसन कैसे ज्वाइन करते हैं, इसमें प्लेटें कैसे डालते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें सीधा और उल्टा देखना है। अब यहाँ पर हमें जैसे ये अंदर की साइड जो है ये हमारी सीधी साइड है और ये बाहर की साइड जो है ये हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ पे पहले हमें आसन को ज्वाइन करना है। ये हमारा 10 इंच का आसन है तो हमें पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले आसन को ज्वाइन करेंगे। अभी यहाँ पे हमें इसके ऊपर जो है डबल सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे हमने एक साइड में इसको आसन को ज्वाइन किया है। अब दूसरी जो साइड है, दूसरी साइड का आसन जो है इसे भी हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने ये दूसरे साइड का आसन जो है वो भी ज्वाइन किया है। अब फ्रंट और बैक साइड, जैसे एक साइड जो है ये हमारी फ्रंट साइड है और एक साइड जो है ये हमारी बैक साइड है। तो एक साइड हम लेके इसको बैक साइड में जैसे कम प्लेटें रहती हैं और फ्रंट साइड में जो है वो ज़्यादा प्लेटें रहती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 2 इंच लेना है और यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये सेंटर है हमारा, ये सेंटर से हमें 2 इंच लेना है और दूसरे साइड में भी हमें 2 इंच लेना है। अभी यहाँ पर हमें इस तरह से ये छोटे 2 प्लेटें डालनी हैं। इस तरह से हम 2 प्लेटें इस तरह से डालते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो प्लेटें हैं इसका मुंह हमने इस तरफ किया है, अब ये जो है इस तरफ करेंगे। जैसे ये प्लेटें जो हैं ये आमने सामने आनी चाहिए। ऐसे 2-2 प्लेटें आपको बैक साइड में डालनी है। इस तरह से ये जो है ये हमारा बैक साइड का ये आसन है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे 2 इंच इस साइड में लिया है और 2 इंच इस साइड में लिया है, तो छोटे छोटे 2 प्लेटें जो हैं वो हमने बैक साइड में डाली है। अब जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड की प्लेटें जो हैं वो आपको लेनी है। अभी यहाँ पे हमने ये बेल्ट तैयार करना है। जैसे ये जो बेल्ट है, साइड में जो कपड़ा बचता है तो उसमें हम ये बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे इस तरह से एक पार्ट जो है उसे लेना है और इसे हमें इस तरह से लेना है और यहाँ पे हम इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं।
इस तरह से हमने ये इसको ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे हमें जैसे ये जो सिलाई है अंदर के साइड में लगाई है, इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरी साइड जो है इसी तरह से हमें इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ये दूसरा पार्ट है, इसे भी हमें इस तरह से लेना है और यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करना है। अभी यहाँ पे हमने ये बेल्ट जो है इसको हमने ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसके ऊपर भी एक सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो है इसे हमें इस तरह से सीधा कट करना है। इस तरह से हम इसको कट करेंगे। ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो निकलता है हमारा, ये भी हमें इस तरह से सीधा कट करना है। अभी यहाँ पे हमने एक साइड जो है ये तैयार की है और दूसरा पार्ट जो है इसे भी हमने इस तरह से इसको तैयार किया है। अभी हमें एक साइड जो है इसे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। अभी यहाँ पे हमें इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे हमें दूसरी जो साइड है दूसरे साइड में भी इसी तरह से इसको ज्वाइन करना है। जैसे थोड़ा सा आधा इंच हमें इसे ज्वाइन करना है। इसके बाद हमें एक इंच का गैप रखना है। यहाँ पे हम एक इंच का गैप रखेंगे और यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगाने के बाद अभी यहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है और यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी यहाँ पे हमने जैसे ये एक इंच का गैप रखा है इसे हमें दोनों साइड में इस तरह से करना है, अलग अलग साइड में, और इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है।
यहाँ पे हमने जैसे ये एक इंच का जो गैप हमने रखा है, एक इंच का जो गैप हमने रखा है, इसे हमें इस तरह से थोड़ा सा आधा इंच फोल्ड करना है, फिर वापस इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये डोरी डालने के लिए ये पट्टी तैयार करनी है, तो इसे हमें आधा इंच या क्वार्टर इंच आपको अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है और किनारे पे सिलाई लगानी है। इसे हमें पूरे राउंड शेप में बेल्ट के ऊपर इसके अंदर डोरी डालने के लिए हम बनाने वाले हैं। इस तरह से हमने इसको ये डोरी डालने के लिए पट्टी जो है वो तैयार की है। तो यहाँ पे हमारा ये जो बेल्ट है वो तैयार हो चुका है। इस तरह से हमने ये बेल्ट तैयार किया है। यहाँ पे हमने ये बेल्ट तैयार किया है। अब ये जो बेल्ट है यहाँ पे हमें इस साइड से, जैसे ये फ्रंट साइड आपको देखनी है, ये जो फ्रंट साइड है हमारी, फ्रंट साइड आपको देखनी है। फ्रंट साइड से हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 8.5 इंच लेते हैं, 8.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 8.5 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद ये हमने बैक साइड में जो प्लेटें डाली हैं, ये बैक साइड में छोटे छोटे दो दो प्लेटें जो डाली हैं, ये प्लेटें जो हैं इसके ऊपर रखते हैं। जैसे इस तरह से हमें दोनों को लेना है, इसके ऊपर रखेंगे और इसे हमें इस तरह से यहां तक, ये जो है ये जो मार्क हमने किया है यहां से यहां तक, ये दोनों पार्ट जो है इस तरह से हमें इसको नापना है। ये नापने के बाद यहां पे हमें एक मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने ये मार्किंग किया है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जो मार्किंग हमारा हुआ है यहाँ से हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे। यहाँ पे जो मार्किंग किया है इसे हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये जो प्लेटें हैं ये हमें इस तरह से डालनी है। जैसे यहाँ तक हमारा सेंटर है वहां तक हमें इस तरह से ये प्लेटें डालनी है। इस तरह से ये जो सेंटर है, सेंटर तक हमें इस तरह से ये प्लेटें डालनी है। उसके बाद जैसे ये सेंटर के बाद यहाँ पे हमें ये प्लेटें जो है इस तरफ डालनी है, जैसे सामने सामने ये प्लेटें आनी चाहिए। यहाँ पे
अभी यहाँ पे हमने ये जो निशान लगाया है, ये निशान तक हमें ये प्लेटें इस तरह से डालनी है। इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड में जो प्लेटें हैं ये हमने आपको डाल के दिखाई है। इस तरह से हमने ये प्लेटें कैसे डालनी है ये मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये नापना है। जैसे ये प्लेटें जो डाली है, ये ऊपर का जो बेल्ट है एकदम परफेक्ट आता है कि नहीं ये देखना है। तो ये हमारा एकदम दोनों साइड में परफेक्ट आता है। फिर उसके बाद हमें ये जो बेल्ट है इसके ऊपर चढ़ाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सलवार की बेल्ट, सलवार कैसे सिलनी है ये मैंने आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।